ठीक है, तो चार्ट कंट्रोल्स में क्या-क्या होते हैं आपके? सबसे पहले आपको चाहिए होती है ये डेवलपर टूल बार, ठीक है? ये डेवलपर टूल बार कहाँ से आती है? फाइल में, ऑप्शन में, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ से डेवलपर ऑन करना होता है, ठीक है? इसके अंदर जो कंट्रोल होते हैं, अगर इसको देखोगे, इंसर्ट के अंदर जाओगे तो फॉर्म कंट्रोल आते हैं, एक्टिव एक्स कंट्रोल होते हैं। तो एक्टिव एक्स कंट्रोल तो चलते हैं वीबीए से, और फॉर्म कंट्रोल चलते हैं फॉर्मूला बेसिस पे, ठीक है? तो अभी क्या करता हूँ, एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ, चार्ट के लिए डेटा बनाता हूँ। नेम, सेल्स, टारगेट, ठीक है? तो इसमें डेटा मैं डाल देता हूँ। यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ इस डेटा को, सो कि हमारे पास एक छोटा सा डेटा हो जाए, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ जाए जिससे हम ये नेम वाला डेटा सिलेक्ट कर सकें, ठीक है? और उसका ये चार्ट दिखाए, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है, इंडेक्स का फॉर्मूला पता है ना, इंडेक्स के कैसे लगाते हैं? हाँ, तो इंडेक्स का फॉर्मूला लगता है। मान लीजिए कि एक सेल यहाँ पे मैं जो दूंगा वो दूंगा इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे मेरा सेल्स टारगेट आता रहेगा इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं वन दूँ तो पहले ही एंट्री आ जानी चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ इंडेक्स, और ये एरे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? इसमें रो को ब्लॉक कर देता हूँ, कॉलम नंबर, रो नंबर जो है वो मेरा यहाँ से आ गया, ठीक है? फिक्स कर लिया, इसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया, इधर डाल दिया, ठीक है? तो अब क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूँगा ये मेरे को एंट्री अलग दिखा देगा, और इस पे मैं चार्ट बना लेता हूँ, नॉर्मल सा कोई भी कॉलम चार्ट, ठीक है? राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल, डेटा लेबल के लिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ जैसे ही नंबर चेंज होता है ये आपका चार्ट चेंज होगा, ठीक है? चार्ट में अभी चेंज तो हो रहा है चार्ट की, तो हमें एक ड्रॉप डाउन चाहिए, तो इंसर्ट से क्या करते हैं, डेवलपर में इंसर्ट से ये कॉम्बो बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पे इसको एक्सेल की लैंग्वेज में कॉम्बो बॉक्स कहते हैं, ठीक है? कॉम्बो बॉक्स को मैंने ड्रैग करके बनाया कि कितना बड़ा चाहिए, राइट क्लिक किया इस पे और फॉर्मेट कंट्रोल पे गए, ठीक है? फॉर्मेट कंट्रोल में आपके पास यहाँ पे कंट्रोल टैब है जिसके अंदर आपसे मांग रहा है इनपुट रेंज, मतलब कि इसके अंदर क्या, कौन सी लिस्ट दिखाए, तो इनपुट रेंज में मैंने दे दिया कि ये वाली लिस्ट आएगी, ठीक है? सेल लिंक में मैं ये वाला यहाँ से चूज कर लूँगा उस सेल को, ठीक है? ड्रॉप डाउन लाइन है कि ड्रॉप डाउन में कितनी लाइंस आनी चाहिए, तो 8, ठीक है? 3D शेडिंग थोड़ा सा वैसे आएगा, ठीक है? तो अभी क्या है कि ये जो सेल है इस ड्रॉप डाउन के साथ लिंक हो गई है, तो जैसे ही मैं कोई भी इसमें वैल्यू चूज करता हूँ वो यहाँ पे पोजीशन रिटर्न करेगा इस सेल लिंक में, जिससे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है? बेसिकली क्या कर रहा है ये कि जो इसके अंदर लिस्ट दी है, बस जो भी हम वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं वो सेल लिंक को ये दे रहा है कि ये कौन सी पोजीशन वाली वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? जो लिस्ट हमने कॉम्बो बॉक्स के ड्रॉप डाउन में दी है,
तो वो जो हम सिलेक्ट करते हैं वही सेल लिंक यहाँ दे रहा है और वही सेम फार्मूला इंडेक्स का हमने यहाँ लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हम कर रहे हैं और ये हमें अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इसमें जो ये नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं इनको फिक्स कर सकते हैं हम लोग फॉर्मेट एक्सिस, जैसे मिनिमम मैक्सिमम है तो मिनिमम ज़ीरो है, मैक्सिमम अभी ये ऑटोमेटिक पे पड़ा हुआ है, मैं इसको 100 कर देता हूँ या जो भी है फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला भी मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं जब यहाँ से चेंज करूँगा तो ये एक्सिस बदलेगा नहीं, इसी पे ही दिखाएगा, ठीक है। और इसको कंट्रोल को उठा के इसके ऊपर रख दीजिए या कहीं भी। आमतौर पे क्या किया जाता है, इसको इसके इसी डेटा के ऊपर रख दिया जाता है और इसको मैं घुमा के इसके यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से डैशबोर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या करना है हमने, ठीक है सुमित। तो अब इसमें और कंट्रोल देखते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन है उसी तरह से लिस्ट कंट्रोल भी है हमारे पास। लिस्ट वाले का मैं सेल लिंक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और नीचे जो इंडेक्स का फार्मूला लगाऊंगा वो जो लिंक लेगा वो इसके बगल से लेगा, मतलब कि वो यहाँ से लेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ फिलहाल, वैल्यू जैसे हमें वो उसमें दिखाते हैं ना कंपैरिजन में वर्सेस में, तो उस तरह से अब मैं इसकी रेंज बढ़ा देता हूँ चार्ट की, ठीक है। अब सेल्स टारगेट दोनों की अलग अलग आने लगी। सेल्स टारगेट आ रहा है लेजेंड, अब इसमें कौन सा किसका है नहीं पता पड़ रहा। डिज़ाइन करता हूँ, स्विच टू रो कॉलम कर देता हूँ, तो संदीप प्रदीप आ गया, ठीक है। सेल्स टारगेट के लिए क्विक लेआउट से लेजेंड ऐड कर लेता हूँ, लेजेंड टॉप में ही ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक ऐड डेटा लेबल, ताकि लेबल भी दिखाता रहे सब साथ में। हाँ तो यहाँ पे हमने अब लिस्ट बॉक्स करना है, डेवलपर में जाना है, इंसर्ट में जाना है और हमारे पास यहाँ पे ये लिस्ट बॉक्स है, ठीक है। लिस्ट बॉक्स भी सेम ऐसा ही है जैसा कॉम्बो बॉक्स है, पर ये थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। फॉर्मेट कंट्रोल, कंट्रोल इनपुट रेंज में वैसे ही आता है सेम, और सेल लिंक, ये सब सेल लिंक पे ही चलता है। तो दूसरा वाला सेल लिंक दे दिया, ये एक भी एक सेल लिंक भी कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। अब सेल लिंक में जो यहाँ सेलेक्ट करूँगा वो इधर की वैल्यू दिखाएगा, जो इधर से सिलेक्ट करूँगा वहाँ की वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैं लगा देता हूँ एक चेक बॉक्स, जिसमें कि जो ये वर्सेस मोड है ना ये तब दिखाए जब मैं चेक करूं, ठीक है। चेक बॉक्स लगा देता हूं, तो ये चेक बॉक्स इंसर्ट से लेता हूं, यहां पे ये चेक बॉक्स है और इसको लगा देता हूं यहां पे, ठीक है। और इसमें लिख देता हूं कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल
और ये इसका सेल लिंक मैं उसके ऊपर दे देता हूँ या कहीं भी दे देता हूँ, ठीक है। सेल लिंक दे दिया। अब जब मैं इसको चेक करूँगा तो ये ट्रू देगा, देखिए यहाँ ट्रू दे दिया, और अनचेक करूँगा तो फॉल्स देगा, ठीक है। तो इफ़ का फार्मूला आपका इस पे लग जाएगा, ट्रू फॉल्स पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इफ का फार्मूला लगाया कि इफ ये ट्रू है, ट्रू पे तो ट्रू जैसा ही चलेगा, ठीक है। अगर ट्रू है तो मेरा ये वाला इंडेक्स वाला फार्मूला चले, अदरवाइज क्या कर दे, ब्लैंक कर दे, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला मैंने लगा दिया और यही ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो जब मैं ये क्लिक हटाऊंगा तो वहाँ से वैल्यू गायब हो जाएगी और यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। अभी वैसे चेंज करोगे कुछ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे वो नहीं है, जैसे कंपेयर करोगे ये आ जाएंगे। अभी एक और चीज़ हो रही है, जैसे यहाँ पे ये ज़ीरो आ रहे हैं ना, इनको भी हटाया जा सकता है, इनकी वैल्यू जो है सेल से उठा लो। यहाँ लेबल सिलेक्ट किया, ये फार्मूला का वो है आपके पास, फार्मूला बार है, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया फार्मूला बार पे, डेटा लेबल को सिलेक्ट करके इक्वल टू किया और वो सेल दे दिया जहाँ से वैल्यू आ रही है, ठीक है। दूसरा मैंने इसी तरह किया और यहाँ क्लिक किया इक्वल टू और दूसरी सेल की वैल्यू, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये सेल की वैल्यू डेटा लेबल में दिखाता है, तो जब आप कंपेयर में हटाएंगे तो यहाँ आपको वैल्यू नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तुम्हारे जो डैशबोर्ड बनते हैं वो इसी तरह के लॉजिक पे बनते हैं, इंडेक्स का आपका फार्मूला ही लगता चला जाता है, मेजर इंडेक्स ऑफसेट के साथ होता है, ठीक है। और हाँ, ऑफसेट का मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि कंट्रोल्स में भी उसका यूज़ होता है, और कंट्रोल बताता हूँ अभी, ऑफसेट आपको समझ आ जाएगा। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, लिस्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स के बाद है हमारे पास ये चेक बॉक्स, देख लिया हमने ऑप्शन बटन, रेडियो बटन जो होते हैं आपके, ऑप्शन बटन मैंने एक यहाँ क्लिक कर दिया, एक यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन बटन में मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल और सेल लिंक जो है यहाँ जहाँ पहले वाला कॉम्बो बॉक्स दिया था उसको दे देता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बटन क्या होता है कि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन बटन होते हैं, ठीक है, तो पहले जो लगाया है वो क्या करेगा, वन रिटर्न करेगा, दूसरे वाला टू रिटर्न करेगा, ऐसे ही जितने डालते जाएंगे वो थ्री फोर होते चले जाएंगे। हाँ, इनका ना ये एडिट कर सकते हैं नाम, चाहूँ तो मैं इसी लिस्ट का यहाँ संदीप, प्रदीप, रवि लिख सकता हूँ, ठीक है। पर इनका जो पैरामीटर होता है वो अपने आप ही लेता है कि पहले नंबर पे जो आपने लगाया, मतलब जो सबसे पहले इंसर्ट किया वो वन देगा, अगला टू देगा, उसके बाद थ्री देगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, जितने बार करेंगे। एक ही सेल लिंक दिया है तो दोनों पे फ़र्क देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी चेंज करूँगा तो ये सेल लिंक भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका भी वही सेल लिंक है, यहाँ से चेंज करूँगा तो ड्रॉप डाउन भी चेंज हो जाएगी, तो लिंक्ड होता है एक्चुअली। अब क्या है कि मान लीजिए कि यही ड्रॉप डाउन मैं दूसरे के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि मैं चौथा इंसर्ट करूँगा ऑप्शन बटन, तो ये इसी के साथ जुड़ जाएगा, इन चारों में से कोई एक ही क्लिक होगा तो इसके साथ जुड़ जा रहा है, मैं इसका डिस्कनेक्ट करना चाह रहा हूँ इसके साथ से, ठीक है।
क्योंकि आप इसका इनका सेलिंग भी लगाएंगे तो इन जितने भी होंगे सबका एक ही होता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो यूज़ होता है वो है ग्रुप बॉक्स, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा है ना, ग्रुप बॉक्स। अब ग्रुप बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये ग्रुप बॉक्स है, इसके अंदर आप जो डालेंगे ऑप्शन बटन वो डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये डाला और ये डाला, अब इसका आप सेंड लिंक अलग दे सकते हैं, अदरवाइज वो ऊपर वाले में ही ऐड होता रहता है। तो अब यहाँ करेंगे तो ये पहले नंबर पे ये डाला 1 और यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो इनको अलग अलग से ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप बॉक्स का यूज़ करते हैं, अदरवाइज ग्रुप बॉक्स हटा दूंगा ये इसी का भाई बंधु हो जाएगा एकदम, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं अपना स्पिन बटन। स्पिन बटन मैं लगा देता हूँ पहले वाले पे, स्पिन बटन, ठीक है। दो बटन है बस, इनका राइट क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट कंट्रोल किया, करंट वैल्यू मैंने कहा 1, मिनिमम वैल्यू मैंने कहा 1 से शुरू होगी, मैक्सिमम वैल्यू मतलब कितनी लिस्ट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 है टोटल, तो 6 तक जाएगी, मतलब 1 से 6 तक जाएगी इंक्रीमेंटल। जब हम बटन क्लिक करें तो कितने कितने का चेंज होना चाहिए, तो हमने कहा एक एक का होना चाहिए। सेल लिंक मैंने दे दिया यही वाला, यहाँ कॉम्बो बॉक्स का दिया था, ओके किया। तो अभी ये क्या है, इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये बढ़ रहा है 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे ही डिक्रीज कर सकते हैं। समझ आया कैसे यूज होगा? हाँ, जैसे कि अगर इसमें, हाँ, इंक्रीमेंटल चेंज जो होता है ना, करंट वैल्यू है कि जो करंट पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम कहाँ पे ख़त्म करना है, और कितने कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए जब हम बटन प्रेस करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो ये 2 2 करके बढ़ेगा। अब मैं एक बार क्लिक करूँगा तो ये 6, अच्छा अब ये 4 2 1 3 5 6, ठीक है। इसी के तरह ही हमारे पास एक और है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार मैं यहाँ पे कर देता हूँ, स्पिन बटन की तरह ही है, बस बीच में एक और चीज़ है पकड़ के खींचने के लिए, फॉर्मेट कंट्रोल। इसमें भी सेम वही है, करंट वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 6, इंक्रीमेंटल 1, पेज चेंज ऐसे ही 10, पेज चेंज का यूज़ बताऊंगा मैं आगे, पेज चेंज कुछ भी रख सकते हैं, 10 ही डिफ़ॉल्ट रहने दो, ठीक है। सेल लिंक मैंने ये दूसरा वाला दे दिया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, इसमें क्लिक करेंगे तो वैसे ही बढ़ घट रहा है, ठीक है, चाहे यहाँ से पकड़ के कर लो, ठीक। तो ये मेजर कंट्रोल्स हैं आपके जो डैशबोर्ड्स में यूज़ होते हैं। इसका दिखाता हूँ कि स्क्रॉल बार का और क्या यूज़ है, डेटा के साथ भी इसका अच्छा खासा यूज़ है। यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, सिटी, सेल्स, टारगेट, एंड बिटवीन 10 to 90। तो इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ 101 तक, मतलब 100 रिकॉर्ड्स बनाना चाह रहा हूँ,
101 तक। अब तो ये हो गया मेरा, 100 रिकॉर्ड्स हो गए मेरे पास। मुझे ये दिखाना है, कॉपी किया यहाँ पे, और 10 रिकॉर्ड दिखाने हैं, 11 कर देता हूँ, 11 तक चूज़ किया, तो आपके ये 10 रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें अब मैं ऑफसेट का एक फार्मूला लगाऊंगा और यहाँ पे लिंक लूंगा उसका, या कहीं भी ले लूंगा एक लिंक, कि इधर ले लिया, किधर भी, यहाँ ले लूंगा ऑफसेट का लिंक। इंडेक्स का जैसे आता है ना, तो सेम ऑफसेट भी हमारा वैसे ही काम करता है। मैंने लगाया ऑफसेट, रेफरेंस हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने ये ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से। ठीक है, हाँ, ए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर मैंने रोज़ जो है, जो रो आ रही है, कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितने रो नीचे, तो रो मैं यहाँ से लूँगा। ठीक है, कॉलम 0 का मतलब है सेम कॉलम, बस ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या है कि 1 डालूँगा तो पहली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इंडेक्स क्या है, 1, 2, 3 से चालू होता है। ऑफसेट का फार्मूला आपका जो चालू होता है वो आपको रेफरेंस देना होता है, और दूसरा 0, 1, 2, 3 करके गिनता है। ठीक है, तो मतलब A1 रेफरेंस में, यहाँ 1 है रो में, तो 0, 1 ये वाली वैल्यू, 0 मतलब सेम कॉलम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस को फ्रीज नहीं करता हूँ, इसको फ्रीज कर देता हूँ, रो जो आ रही है। ठीक है, रेफरेंस को फ्रीज नहीं करूँगा और इसको ड्रैग कर दूँगा, तो क्या होगा, ये देखो। ठीक है, तो अभी यही डेटा दिखा रहा है, हर एक का रेफरेंस क्या है, उसके एक ऊपर है ना। ठीक है, तो वो जब मैं 1 डालूंगा तो हमारा ये लगा लो कि पहला है, 2 डालूंगा तो ये प्रदीप से डेटा जो है ऊपर आ जाएगा, और यहाँ प्रदीप से ऊपर, और रवि का नेक्स्ट ऐड हो जाएगा नीचे। ठीक है, 2 डालूंगा, ठीक है, प्रदीप का आ गया, हाँ नीचे से और उठ गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है, प्रदीप, रवि, विकास, विष्णु, विष्णु आ गया ना 12वां। ठीक है, ये वाला। तो अब मुझे क्या करना है, सेल लिंक पे यहाँ पे स्क्रॉल लगा देना है, स्क्रॉल बार, इंसर्ट नहीं, डेवलपर में, इंसर्ट में स्क्रॉल बार, इसके बगल में। राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, कंट्रोल पे अब करंट वैल्यू मैं दे देता हूँ 1, मिनिमम वैल्यू 1, और हमारे पास 100 रिकॉर्ड हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 91। ठीक है, इंक्रीमेंटल चेंज 1, पेज चेंज 10। ठीक है, सेल लिंक दे देता हूँ वो वाला, हाँ। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे जब मैक्सिमम वैल्यू 90 आएगी, 91, ठीक है, तो यहाँ पे 91 आई, तो यहाँ पे ये 10 आगे भी तो चेंज हो रहा है ना रेफरेंस, तो यहाँ से 90 वैल्यू, तो एंड लास्ट में जाके ये 100 तक की पहुँचेगा। ठीक है, मतलब ये 10 रेफरेंस छोड़ के, 9 रेफरेंस छोड़ के नीचे से चल रहा है ना, तो यहाँ 91 पे ही आपको 100 रिकॉर्ड वो वाला दिखा देगा। ठीक है, तो आप बेसिकली इसमें ड्रैग कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ड्रैग हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ऑफसेट का यूज ऐसे ही किया जाता है। ये बेशक देखने में हमारा फॉर्मूला है, पर इसका जो है डैशबोर्ड में अच्छा खासा यूज़ हो जाता है। ये एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है आपके सामने, है ना,
किसी और को अगर आप दिखाओगे बगैर इसकी सच्चाई बताए, सेल लिंक छुपा के कहीं रख दीजिए, तो उनको नहीं पता पड़ेगा कि हो क्या रहा है ना। उनको लगेगा कि हाँ ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग हो रहा है, पर असल में सेल नहीं चेंज हो रही, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रोल्स हैं हमारे, यही सारे डैशबोर्ड्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये फाइल भी मैं भेज दूंगा, वो वाली क्या नाम है अपनी डैशबोर्ड वाली, और वो आपने प्रैक्टिस करनी है, एज इट इज़ वैसा ही बनाना है, क्योंकि डैशबोर्ड का काम आपका प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। जैसे ये डैशबोर्ड है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो ये ग्रुप, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, ग्रुप ऑप्शन बटन वगैरह, ये देखें, ये इनसे क्या हो रहा है, डेटा फिल्टर हो रहा है पीछे कस्टमर वाइज, ठीक है। और इसमें स्टार्ट मंथ कब से कब तक चाहिए, जनवरी 8 से एंड मंथ 2 साल का डेटा है, दिसंबर 9 तक का, तो ये उतना रेंज ले ले रहा है रीजन में, ठीक है। ये वाला आता है ना, स्पीडोमीटर कैसे बनाना है, हाँ, तो वही स्पीडोमीटर का यूज होता है परसेंटेज में वैल्यू दिखाने का। सेल्स टारगेट डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी, वो 100 के अंदर ही आएगी, उसी को इसमें रिप्रेजेंट करना है। अब इसकी कैलकुलेशन में क्या है कि जैसे शीट 1 में इसका सारा डाटा है, तो यहाँ पे रीजन, प्रोडक्ट, कस्टमर टाइप है, सेल्स पर्सन है। सेल्स पर्सन पे हमने क्या किया है, यही बन रहा है, देखो सेल्स पर्सन ये नीचे आ रहे हैं, ये जो चार दिख रहे हैं ना आपको, 4 4, तो ये सेल्स पर्सन के हैं, ठीक है। और इसमें रीजन, प्रोडक्ट, कस्टमर टाइप, ये जितने थे रीजन, ये प्रोडक्ट, कस्टमर, रीजन, ये मैंने एज अ फिल्टर यूज़ किए हैं। किया क्या है इसके लिए, इस डेटा को सबसे पहले मैं ले गया हूँ, ये सेल्स डेटा है मेरे पास सारा 2 साल का, ऐसे में सबका, ये जनवरी फरवरी नोट कर लिया है बंदे का, और समिफ से उस मंथ की सेल निकाल लिए, ठीक है, टोटल करवा लिए। समिफ में मैंने क्या किया है, यहाँ से लिस्ट बना लिए यूनिक, रीजन की, प्रोडक्ट की और कस्टमर की, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे चेंज करेंगे, ये इंडेक्स से ले रखा है, स्टार पता है क्यों दिया है, समिफ में जब आप क्राइटेरिया में स्टार देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा ऑल, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो मैंने सीधा सीधा यहाँ समिफ में दे दी है, ये देखिए इन तीनों की, ठीक है। तो यहाँ जो फिगर आ रही है अभी 2 साल का पूरा पूरा आ रहा है फिगर हर एक बंदे का, इन फिल्टर्स के साथ, कि जैसे ही वहाँ क्लिक कर रहे हैं, रीजन, प्रोडक्ट और कस्टमर का सेलिंग किए है, ठीक है। B1 for day, हाँ, समीफ में पता है क्राइटेरिया ये वाले ले लेने, ठीक है। तो सेलिंग किए होंगे, जैसे ही वहाँ क्लिक करोगे यहाँ लिंक चेंज होंगे, ये इंडेक्स से वैल्यू यहाँ से आपको ला के दे देगा वो वाली, और वही समीफ में लग जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो था कि यहाँ से जो कॉम्बो बॉक्स, जैसे 1 से 24 उसमें ले रहा है, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग डेट दिखा रखी है ना मैंने इसमें, स्टार्ट मंथ एंड मंथ, ये लिस्ट है, तो लिस्ट में 1 और 24, लिस्ट ये रही आपकी, ठीक है। एक का स्टार्टिंग वाले का सेलिंग क्या है, एंडिंग वाले का यहाँ है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको इक्वल टू किया और पहले स्टार्टिंग वाला यहाँ ले लिया, ठीक है। फिर एच लुकअप से जो समीफ का डाटा है वो यहाँ जनरेट करा दिया, समझे, हाँ। तो
ताकि क्या है कि अगर मैं यहाँ पे दो डालूँ तो वो दूसरी डेट स्टार्ट हो जाए, फरवरी स्टार्ट हो गई और आगे की डेट को मैंने प्लस करा रखा है बस, ठीक है, ई डेट के फंक्शन से प्लस करा रखा है फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और उसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इस डेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे चार देता हूँ तो यहाँ से डेट स्टार्ट हुई और यहाँ ख़त्म हो गई और एच लुकअप से ये वैल्यू आ गई और इस पूरे पे वो चार्ट बना हुआ है, तो आपका कनेक्टेड हो गया पूरा, ठीक है। और फिर ये जो मैंने रेड येलो ग्रीन वगैरह कर रखा है, ये टोटल सेल आ गई, फिल्टर रेड येलो, ये वैल्यू पॉइंटर का, ये वैल्यू वाली वैल्यू, यहाँ से ये फार्मूला लगा रखा है कि इंट का मल्टीप्लाई करके 100 के पैरामीटर में वैल्यू आ जाए, इस पे आपका ये वाला बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ, समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या लगा है, क्या क्या मेथड लगे हैं, तो आपको मतलब क्लियर हो जाएगी काफ़ी चीज़ डैशबोर्ड की, ठीक है। तो आज का इतना ही रखते हैं, कल मैं एक नया डैशबोर्ड आपको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए फिर, रिकॉर्डिंग में आपकी उसी पे लिंक भेज दूँगा, ठीक है, हाँ ईमेल एड्रेस पे। कल अपना यही रख, 9:30 कर दें कि कितने बजे करना है, हाँ सैटरडे संडे ही बता रहा हूँ, 9:30 रख लेते हैं, हाँ कंफर्टेबल है अगर 9:30 हो तो ठीक है, जल्दी करना है जल्दी कर सकते हैं, लेट करना है लेट कर सकते हैं थोड़ा, चलो फिर 9:30, ठीक है, ओके।